तो आज हम बात करेंगे दो कप्तान, दो वाइस कप्तान, इसके अलावा प्रोबेबल प्लेइंग 11, पिच प्रिडिक्शन, मैच प्रिडिक्शन पर भी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए ले चलते हैं आपको एक सुनहरे सफर की ओर, और सफर शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट से। पिच रिपोर्ट ये कहती है कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर पिच टाइप बल्लेबाजी रहने वाला है, लेकिन पेसर्स भी गेम में आते दिखेंगे आपको इनिशियल ओवर्स के दौरान। इस बीच बाउंड्री डायमेंशंस की बात करें, 65 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज, वहीं मात्र 68 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्रीज हैं, तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खूब जम कर बोरा भर कर रन बरसने वाले हैं इस मैदान पर। 165 एवरेज स्कोर है यहां पर, बड़े रन्स का गवाह बनता है फिरोज शाह कोटला का मैदान, और कुछ ऐसा ही हमें इस बड़े मुकाबले में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। दिल्ली कैपिटल्स की टीम डेविड वार्नर के इर्द गिर्द अभी तक बल्लेबाजी घूम रही है, पिछले कुछ मुकाबलों में फिल सॉल्ट को बैटिंग कराई गई डेविड वार्नर के साथ टॉप ऑर्डर में। इसके अलावा पृथ्वी शॉ का फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है, तो इन दोनों की कमी खल सकती है, लेकिन मिचेल मार्श उस कमी को बखूबी निभाएंगे कि पूरे करेंगे, बैटिंग में रन बनाते दिखेंगे, और एक ऑस्ट्रेलियन टच भी कहीं ना कहीं नजर आएगा जब डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करते नजर आएंगे। इसके अलावा यश ढुल की वापसी होगी पृथ्वी शॉ की गैर मौजूदगी में। बात करेंगे कुलदीप यादव की, अभी तक 7 विकेट चटकाई है कुलदीप यादव ने उस पूरे ही टूर्नामेंट में, पर इनसे ज्यादा की उम्मीदें जरूर होंगी, और ये कल के मुकाबले में ऐसा करते दिख सकते हैं। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की ओर। हैरी ब्रूक्स के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, मयंक अग्रवाल ने पिछले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, पर इसके बावजूद भी आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं अभिषेक शर्मा, इनके बल्ले से रन निकल रहे हैं और इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही उम्दा है। बात करेंगे गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस जमकर लेकर आ रहे हैं, इकोनॉमिकल साबित हो रहे हैं, विकेटे थोड़ी और चटकाएंगे तो सनराइजर्स को मैच जिता सकते हैं। इसके अलावा मयंक मार्कंडे पिछले 5 मुकाबलों में 8 विकेटे हैं, इकोनॉमी 6.7 का है, तो शानदार इनके स्टैट तो हैं, पर सनराइजर्स हैदराबाद की विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू रखना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये रही प्रोबेबल 11 की बात, पर अब मेन एलिमेंट पर आते हैं और बात करेंगे वाइस कैप्टेंसी और कैप्टेंसी पिक की डीसी वर्सेस सनराइजर्स के मुकाबले की। सबसे पहली जो वाइस कैप्टेंसी पिक है वो है कुलदीप यादव। यादव जी ने 7 विकेटें ली हैं इस टूर्नामेंट में, अभी तक लय में हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस मुकाबले के प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकते हैं, और इसीलिए हमने वाइस कैप्टेंसी पिक में इन्हें शामिल किया है। जो हमारी दूसरी वाइस कैप्टेंसी पिक है वो है मिचेल मार्श। मार्श ने पिछले मुकाबले में इंटेंट दिखा दिया है विद द बैट एंड विद द बॉल आल्सो ही कैन डू अ लॉट बेटर, और इसीलिए वाइस कैप्टेंसी पिक है हमारे दूसरे नंबर पे। कैप्टेंसी पिक की बात की जाए, हैरी ब्रूक का बल्ला अभी तक सिर्फ 1 मुकाबले में चढ़ा है, 14.5 करोड़ में खरीदे गए थे सनराइजर्स के लिए, अभी तक बल्लेबाजी में सिर्फ 1 ऐसी इनिंग देखने को मिली है जो आउटस्टैंडिंग थी, फ्लैम्बोयंट थी, 55 गेंदों पर 100 रन। इसके अलावा अभी तक बल्ला खामोश रहा है, लेकिन इस मैदान पर बल्लेबाजों के फेवर्स में जो कि जा सकता है, वहां पर हैरी ब्रूक का बल्ला खूब जमकर रन बरसाएगा। इसके अलावा डेविड वार्नर विदाउट अ डाउट ये कैप्टेंसी पिक है हमारी, अभी तक का टूर्नामेंट विद द बैट स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा है, लेकिन एवरेज जो फैंटेसी टीम में जिस चीज की उम्मीद होती है उसको पूरा फुलफिल किया है, 306 रन बनाए हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, और इसीलिए ये हमारी परफेक्ट कैप्टेंसी पिक बनते हैं। ये तो बात रही वाइस कैप्टेंसी और कैप्टेंसी पिक की, पर अब बात करेंगे खेल क्रिकेट के मैच प्रेडिक्शन की। इस मुकाबले में होम टीम का दबदबा होता दिख रहा है, दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीतेगी। इसके अलावा जो दो हमारे ऐसे प्रेडिक्शन हैं जिसके साथ आप जा सकते हैं, वो ये हैं कि डेविड वार्नर 80 प्लस का स्कोर खड़ा करेंगे, और इसके अलावा गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार जो कि एक्सपीरियंस लेकर आते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा विकेटें चटका रहे हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट रिलेटेड अपडेट, फैंटेसी टिप्स और कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी पिक के लिए खेल क्रिकेट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।